क्रिकेट घर में खेलते थे, तब तो ऐसा पता नहीं था कि क्रिकेट ऐसा एक खेल है जैसे बच्चे खेलते हैं। तो वहाँ से घर में खेलना, फिर गली मोहल्ले में खेलना, उसके बाद जाके फिर टेप बॉल से, जिन लोगों को क्रिकेट की थोड़ी बहुत समझ थी तो उन्होंने कहा कि आप तेज़ बॉलिंग करते हो तो आपको हार्ड बॉल में खेलना चाहिए। तो वो बात मेरे जहन में आई और मुझे बहुत ज़्यादा शौक भी था, एक नेचुरली एक शौक जुनून था कि बस घर से निकलना और क्रिकेट खेलना। स्कूल में भी यही होता था कि क्रिकेट का हर टाइम सोचते थे, क्लास में भी ब्रेक होगा तो क्रिकेट खेलेंगे। जब छोटा था तो जब मैं अंडर 16 या इस स्टेज पे था तो मैच देख रहा था, शेन बॉन्ड उस टाइम बॉलिंग कर रहा था, जब मुझे क्रिकेट की समझ लगी थी तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं कहता था मैं इसकी तरह बॉलिंग करनी है, उसका रनअप और उसकी सारी चीज़ें। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो अपने बहुत ज़्यादा जब क्रिकेट मैन हुआ और पता चला तो अपने जो हमारे लेजेंड फास्ट बॉलर हैं जैसे वकार भाई, वसीम भाई, शुएब भाई, तो इनके वीडियोस वगैरह भी देखना, तो बहुत सारे इनसे चीज़ें सीखने को मिली। फास्ट बॉलर का एग्रेशन तो होता है और आपका बैट्समैन के साथ मुकाबला होता है और एक नेचुरली ऐसे होता है कि अच्छी बॉलिंग भी करो और एग्रेशन ये है कि आपको बैट्समैन के साथ मजाक मस्ती में टाइम नहीं गुजारना होता, आपको बैट्समैन को बताना होता है कि मैं आपको बॉल कर रहा हूँ और आप मुझे खेल रहे हो, एक किस्म की लड़ाई होती है, तो एग्रेशन उसमें इसलिए होता है और बाकी ऑफ द फील्ड तो नॉर्मल होता है। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा सीज़न होगा हमारा और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो जो मुझे मतलब जो मैंने देखे हैं टीम में कि लड़के एक दूसरे के साथ झेल रहे हैं, तो उम्मीद है कि अच्छा सीज़न हो। खेल तो हो रहा है।